जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जो आप देख रहे हैं शिक्षा की खबर। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी, फाइनली जो कि सीट मैट्रिक सीट का जो कि लिंक एक्टिवेट हो गया, करेक्शन का भी लिंक एक्टिवेट हो गया। तो आप लोग सिंपली इस वीडियो में जानेंगे किस ट्रेड में और किस जो कि कॉलेज में कितनी सीटें जो कि खाली हैं और कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से जो कि ट्रेड की सीट खाली है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। कैसे चेक करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, या मात्र जो कि एक मिनट में अपने फ़ोन से चेक कर लेंगे, तो सब कुछ इस वीडियो में कम्प्लीट जानेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, मैंने कल वीडियो बनाया था और मैं बताया था, इन्फॉर्मेशन जो दिया था कि जो कि कल लिंक एक्टिवेट हो गया, तो फाइनली लिंक एक्टिवेट हो गया, किस तरह सारा प्रोसेस चेक करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक वीडियो कर दीजिए लाइक, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाएगा, ताकि जैसे करेक्शन का जो कि सीट मैट्रिक जैसे डाउनलोड करेंगे आप, सब कुछ मैं बताऊँगा किस तरह करना है आपको। तो सबसे फाइनली सबसे पहले आप लोग फ्रेंड ये जान जाइए कि आप लोग को कौन से संस्था में कितनी सीट खाली है। आप लोग को सबसे पहले इसको नोट कर लेना, नोट करने के बाद जैसे करेक्शन करेंगे उसके हिसाब से आप लोग जो कि जो जिस संस्थान में ज़्यादा सीट रहेंगी उसको आप फर्स्ट नंबर पर डालिएगा, जिस संस्थान में कम सीट रहेंगी उसको सेकेंड में डालिएगा, ताकि जो कि फर्स्ट में जो कि जैसे करेक्शन करेंगे तो फर्स्ट में जो ज़्यादा नाम रहेगा वो आपका फर्स्ट में फर्स्ट ट्रेड का नाम आ जाएगा, क्योंकि सीटें जिसमें जितनी खाली रहेंगी उसको आने का जो कि 100 में 100 चांस होते हैं। तो देखिए किस तरह अपने जो कि किस ट्रेड में कितनी सीट खाली है, चेक करने के लिए सिंपली से आप गूगल में या क्रोम ब्राउजर में जाएंगे। सिंपली से आपका जो कि वही साइड scbt.in, तो आपको सिंपली से scbt.in सर्च करना है अपने गूगल में। देखिए मैं सिंपली सर्च करता हूँ scbt.in 2021, जो कि फर्स्ट में आपका जो खुलेगा इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप, जैसे आपके फर्स्ट में खुला, फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली से आपको क्या करना है, सिंपली से आपको थोड़ी इस पर क्लिक जैसे करेंगे आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करेंगे आपको जो कि scbt का जो कि आपको साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है गाइस। तो वीडियो के अंत तक देखिए, जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो कि scbt का साइट खुल जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, देखिए आपको जो कि यहाँ पे दो लिंक एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में जो है कि आपका जो कि रिक्त जो है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द्वितीय चरण के पश्चात रिक्त सीटें का विवरण नीचे ITI, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप लोग जो कि रिक्त सीटें देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका कितने सीटें किस स्थान में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए निजी का देख सकते हैं, यहाँ पे राजकीय का देख सकते हैं। तो सिंपली जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो चलिए सिंपली से हम जो है कि राजकीय का देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो कि ऐसा कुछ शो होने लगा। जब ऐसा शो होगा तो सिंपली से आपका जो कि यहाँ पर चुनाव करना है, ठीक है। सबसे बाद थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसमें आप लोग को पूरा सारी बात समझ में आएगी। देखिए फर्स्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना, ठीक है। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का यूपी का डाल लेता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का आप अपने जो है कि अपने जिस डिस्ट्रिक्ट से आप उसको डाल लीजिएगा। चलिए तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डाल लेता हूँ यहाँ पे, सिंपली से मैं यहाँ पे मऊ सर्च करूँगा या आजमगढ़, ठीक है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल में है। देखिए मैं यहाँ पे मऊ को सिलेक्ट किया, सिंपली से आपको जो है कि सिलेक्ट ऑफ ITI का यहाँ पे देखिए करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो कि मोहम्मदाबाद मऊ दोनों एक ही जगह आजमगढ़ में पड़ता है, ठीक है, मऊ से पड़ता है। तो यहाँ गवर्नमेंट ITI में कर लेता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट ITI में यहाँ पे कर लेता हूँ, गवर्नमेंट ITI करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे देखिए ग्रुप ए सिलेक्शन दे रहा है, ठीक है, ग्रुप ए का यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ग्रुप ए ग्रुप बी देगा। सिंपली से मैं ग्रुप ए का जो कि करता हूँ, ठीक है, ग्रुप ए का मैं करता हूँ। ग्रुप ए करने के बाद आपको गेट रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे जो सिंपली से दिया है इस पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो कि पेज खुलकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड मार दिया, डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे पेज खुल जाएगा, या डाउनलोड भी आपके जो कि PDF फाइल में हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सिंपली से किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं। देखिए यहाँ आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है कि 4 सीटें हैं ग्रुप ए में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रीशियन में भी है, ठीक है, फिटर में भी 5 सीटें, इसी में सारे जो कि सारे ट्रेड का सीटें देख लेंगे। तो इसी तरह सिंपली से आपको क्या करना है, सेकेंड का भी आपको इसी तरह चेक करना है, ठीक है, सेकेंड को भी इसी तरह आपको चेक करना है। देखिए सिंपली से आपको सेकेंड का भी इसी तरह चेक करना है। ग्रुप बी में भी चले जाएंगे आप, तो ग्रुप बी का भी आप इसी तरह कर देंगे। ग्रुप बी का भी आपका जो है कि सिंपली से देखिए PDF डाउनलोड हो गया और सिंपली से खुल जाएगा। देखिए ग्रुप बी में जो है कि आपका वेल्डर में जो है कि 23 सीटें बची हुई हैं, ठीक है,
23 सीटें बची हुई हैं कि आप लोग इस तरह अपना जो है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस संस्थान में कितने सीटें जो कि खाली हैं। इसके बाद आप करेक्शन करिएगा उस जिस कॉलेज में आपका जो कि ज़्यादा नाम रहेगा, जिस ट्रेड में आप उसको फर्स्ट में डालिएगा, उस तभी आपका जो कि ट्रेड आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो भी आपके करेक्शन करने का मैं बताऊँगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।